पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, यहाँ पे ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोई नेता की या पवार साहब के कोई कार्यकर्ता की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि जिसके बोलने पे चला जाएगा। और हम लोगों को यहाँ पे कोई भी ऐसा गेट नहीं है कि ये गेट के आगे जाने का नहीं है। शरद पवार साहब के नेतृत्व के अंदर हर कार्यकर्ता ने जितना भी काम किया है और उनके ही नेतृत्व को लेके हमारे महाराष्ट्र राज्य के विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री साहब अजीत दादा पवार साहब काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जनता की भलाई के लिए अजीत दादा पवार ने जो फैसला लिए हैं वो किस लिए लिए और कितनी भलाई चाहते हैं जनता की। और जो लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम्हारे जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम्हारे क्षेत्र की गंदगी, तुम्हारे क्षेत्र की सियासत और तुम्हारे क्षेत्र की लॉबी वो वहीं पर रखो। जो कार्यकर्ता पार्टी का काम करके पार्टी का नाम करके और अजीत दादा के नेतृत्व में काम करने के बावजूद भी अगर कोई नेता अगर बोलता है कि उसकी फोटो नहीं दिखाना चाहिए तो वैसे नेता जितेंद्र आवाज को हम लोगों का जाहिर निषेध है। और आने वाले वक्त में मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर और ठाणे जिला के अंदर ये जितेंद्र आवाज साहब की जो ताकत है, वो आज भिवंडी के अंदर मालूम पड़ गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के नीचे ये मोर्चा रखा गया था और हम लोग को ताकत देने वाले अजीत दादा पवार है और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, वो नजीबुल्ला साहब है। आज जो ये भी प्रोग्राम किया हम लोगों ने भिवंडी राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी युवा है उन लोगों ने किए है, ये जो प्रोग्राम है थाने महापालिका के लिए गठ नेता जो है नजीबुल्ला साहब उनके नेतृत्व में हुआ है। और ये जो प्रोग्राम करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र के विकास पुरुष सम्मानित नामदार अजीत दादा पवार साहब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ली है उसके विषय में हम लोगों ने एक जनता के अंदर और कार्यकर्ता के अंदर जल्लोष व्यक्त करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम लिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।